मोहाली ते फेस 7 दे थाना मटोर च उस वेले हंगामा हो गया जदों इक्को वेले कई किन्नरां ने थाने दे अग्गे रोड जाम करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिता। हैरानी दी गल सी कि इस दौरान किन्नरां ने अपने कपड़े उतार के नाराजगी जताई अते पुलिस प्रशासन दे खिलाफ जम के नारेबाजी की। किन्नरां दा कहना है कि साजिश दे तहत उन्हां नूं बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है, इसके लिए फेक वीडियो बना के न्यूज चैनलां ते चलाई जाती है। ऐसे में 4-5 लड़कों ने पकड़ लिया, मेरे साथ बदतमीजी की, रेप करने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने मतलब कि अल्लाह किया मैं नंगी हुई तो किसी ने फेक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी, मेरी फेक वीडियो बना दी। और मेरी तो एक गुजारिश है कि हर किन्नर को अपनी जिंदगी जीने का हक मिले बाबर, और हर जगह जहाँ मर्जी रहे वो जाकर, ना कोई उसे हिजड़ा रोक सकता, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ, उसे अपना हक, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ खुद जीने के हक के बाबर। मैं तो ये चाहती हूँ अगर जो हमारे बारे में झूठ वीडियो छापी गई है कि जल्दी पकड़ा, लुटेरों का गिरोह फिर रहा है मोहाली एयरपोर्ट रोड पे, वो बिल्कुल झूठ है और कोई नकली नहीं है, चाहे नकली हो चाहे असली, सबको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। इस टाइम हम 7 फेस के पुलिस स्टेशन में आ रखे हैं, सब कुछ यहाँ पे हमारी बातचीत हो गई है। अब इन्होंने कहा है कि हमें टाइम देंगे थोड़े दिनों का कि कब तक उस बंदे को पकड़ के लाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि हम लुटेरी कर रहे हैं या चोरी पर जो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है, सबको जीने का पूरा हक है, झूठ है। उधर काफी मुशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत करवाया अति कार्रवाई की गल आखी। अज किन्नर आए, किन्नर है साढ़े थाने आए है, उन्होंने अपना अपनी शिकायत दसी है कि जो 2-4 दिन पहले अखबार खबर छपी सी, जो वीडियो यूट्यूब पे जिहड़ी वीडियो चल रही है वो झूठ है, वो असी जिन्होंने वीडियो अपलोड की है तो जिन्होंने छेड़छाड़ की है असी कंप्लेंट लैके, तो जी यूट्यूब है वो असी साइबर नू ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਟੋਰ ਦਾ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।